વેલકમ ટુ ધ્વનિસ કિચન. આજ મેં એક ગુજરાતી રેસીપી શેર કરૂંગી, વાલનું શાક. ઇસકો હમ વાલ કી સબ્જી ભી બોલ સકતે હૈ. ઇસકે લીએ મેને એક કપ વાલ લિયા હૈ. ઇસકો હમ 5-6 ઘંટે કે લીએ પાણી મેં ભીગો દેંગે. 5-6 ઘંટે ભીગોને કે બાદ હમ ઇસ વાલ કો પ્રેશર કુકર મેં બોઇલ કર લેંગે. બોઇલ કરને કે લીએ મેને 1.5 ગ્લાસ પાણી કુકર મેં ડાલ દિયા હૈ. उसमें हम नमक भी डाल देंगे. अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक बॉईल कर लेंगे. तो अब ये वाल बॉईल हो गए हैं. अब हम और भी इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे. ऑयल 3 टेबलस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हींग 1/2 टीस्पून, धनिया जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, चना दाल आटा 1 टेबलस्पून, गुड़ 1 टेबलस्पून, नमक, हरा धनिया. अब हम सब्जी बनाएंगे. इसके लिए मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल, अजवाइन, हींग, हल्दी पाउडर, उसमें वाल डाल देंगे. इसको मिक्स कर लेंगे. गैस की फ्लेम लो रखनी है. अब हम उसमें 1/2 ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी उसमें डाल देंगे. नमक, गुड़, आमचूर पाउडर, चना दाल का आटा डाल देंगे. अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. गैस की फ्लेम लो रखनी है. अब इसको मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक उसको ऐसे ही कुक होने दें. इसमें हम आमचूर पाउडर की जगह पे इमली का पानी भी डाल सकते हैं. इसको बीच बीच में चलाते रहें. थोड़ी देर के बाद अब ये सब्जी ठीक हो जाएगी. अब हम इसमें जो थोड़ा पानी बचा है वो भी डाल देंगे. तो मैंने टोटल उसमें 1 ग्लास पानी डाल दिया है. अब उसमें धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे. फिर से उसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक उसको फिर से कुक होने देंगे. थोड़ी देर के बाद अब ये सब्जी तैयार है. इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे. इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे. तो ये गुजराती रेसिपी वालनू शाक अब तैयार है. इसको आप रोटी, पराठा या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं. सब्सक्राइब हियर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियोज़.